जय माँ काली। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल पे, जहाँ पे आपको सत्य समर्पण त्याग से संबंधित मंत्र उपाय प्रयोग सच्चे प्यार को पाने के लिए गहन और गुप्त रहस्य बताए जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें जितने भी दुर्लभ और बहुत ही गुप्त उपाय आपको बताया जाता है मित्रों, वह हमारे सिद्ध ऋषि मुनि गुरुदेव इन सभी ने हमारे महाग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में गुप्त छुपा करके रखा हुआ है। और इस तक पहुंच पाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आम आदमी के पास धन के पीछे भागने के अलावा, अर्थात पैसा कमाने के सिवा, इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। मुख्य समस्या जो होती है वह समय की होती है मित्रों। किसी को भी जीविकोपार्जन के लिए धन की आवश्यकता है, जिसके लिए वह रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे हुए हैं, साथ ही वह अपनी समस्याओं को भी नहीं सुलझा पाते। तो इन सब चीज़ों को, इन रहस्यों तक आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप बहुत भटकेंगे, किसी गुरु के सानिध्य में जाएंगे, कठिन तपस्या करेंगे, तब जाकर परमपिता परमेश्वर की कृपा होगी तो वह सब चीज़ मिलेगी। जिसे मैंने अपने गुरुओं से ग्रहण किया है, उन सब विधाओं को आपको बताता हूँ इसलिए कि आप जन कल्याण कर सकें। तो जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसे आप सिर्फ एक उपाय को भी संपूर्ण श्रद्धा, अर्थात मेरे वचनों पर पूर्ण विश्वास रख कर लेंगे तो आपका काम बनना सुनिश्चित है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा उन लोगों को जिनको वाकई में ज़रूरत है। चलिए आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूँ, गुप्त मंत्र। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि जब आप इसे जाप करने के लिए बैठेंगे, जाप करने के लिए जैसे ही बैठेंगे, सिद्ध मंत्र है यह, इसमें से जो शक्तियाँ उत्पन्न होती है, जो माँ की शक्ति है, वह तुरंत ही आपके लिए कार्य करना शुरू कर देती है। चूँकि यह सिद्ध शक्ति है और इस शक्ति का आपको सही तरीके से प्रयोग करना है, अर्थात किसी का अहित करने के लिए, सिर्फ अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए और किसी से बदला लेने के लिए इसका कदापि प्रयोग ना करें, क्योंकि यह सत्य कर्मों के लिए दे रहा हूँ। सिर्फ प्यार को पाने के लिए, पति पत्नी हो, शादी करना हो, तब तो करना क्या है, इस विधि को शुक्रवार से प्रारंभ करके अगले शुक्रवार तक निरंतर करना है। विधि के दौरान मांस मदिरे का सेवन नहीं करना है। दूसरी चीज़ यह है मित्रों, यह कि इसे सूर्य उदय से पहले स्नान करके करना है। स्नान आपको ठंडे पानी से ही नहाना है, गर्म पानी करके बिल्कुल भी ना नहाएं, जो भी करें। इतने त्याग करने के बाद आपको यह विधि समर्पण के साथ करना है। उस व्यक्ति का फोटो रखकर मैं गारंटी देता हूँ, इतने त्याग करने के बाद वह व्यक्ति आपके पास आएगा ही, क्योंकि जो माँ की शक्ति है, इस मंत्र में जो शक्ति है, वह सिर्फ आपका समर्पण की भावना देखती है और आपका त्याग देखती है कि आप अपने प्यार के लिए कितना त्याग कर सकते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, भगवान जो होता है भाव का भूखा होता है, बिल्कुल यही है। यह जो मंत्र है, यह शक्तिशाली मंत्र सिर्फ आपकी भावना को देखती है। तो मंत्र इस प्रकार है, उसे ध्यान से दीजिए और उच्चारण को सही रखिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्ध रूपिण्यै मम वशं कुरु फट स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्ध रूपिण्यै मम वशं कुरु फट स्वाहा। यह मंत्र सामने फोटो रख कर ही करें, स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, बंधन नहीं है, बशर्ते आप उसी से शादी करिएगा जिसके ऊपर इसे कर रहे हैं, क्योंकि मंत्र कार्य तो करना अनिवार्य है, जो चीज़ मैंने आपको दे दिया है। फिर भी कहीं पे आपको कुछ समझ में नहीं आता हो या फिर कोई दिक्कत होती हो, तो जो नंबर आपको डिस्प्ले में शो हो रहा है उसमें व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। जय माँ काली आप सभी भक्तों को।